अगर मेहनत करने वाला ही सक्सेसफुल इंसान बनता, अगर मेहनत करने वाला ही सक्सेसफुल इंसान बनता तो आज वो जो रिक्शा चलाता था वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल इंसान बनता। अगर मेहनत करने वाला ही सक्सेसफुल इंसान बनता तो आज आप और मैं एक सक्सेसफुल इंसान होते। आज के डेट में जो सबसे अमीर इंसान है लाइक बिल गेट्स, इनके पास भी 24 आवर्स ही थे और आपके और हमारे पास भी 24 आवर्स ही होते हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। और आज के डेट में जो भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है लाइक टेक्निकल गुरुजी, अमित बढ़ाना, बीबी की वाइंस या फिर मनोज दे या फिर टेक्निकल योगी, ये जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर है, तो जब ये यूट्यूबर सक्सेस हो सकते हैं तो फिर हम यूट्यूबर सक्सेस क्यों नहीं हो सकते। इनके पास भी दो हाथ है, दो पैर है और दो आँख है और एक छोटा सा दिमाग है। तो जब ये यूट्यूबर सक्सेस हो सकते हैं तो फिर आप और मैं क्यों नहीं हो सकते। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों को किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी तरफ से सक्सेसफुल होना है तो आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। क्योंकि हार्ड वर्क करने वाला ही इस पूरे वर्ल्ड का सक्सेसफुल इंसान होता तो आज वो रिक्शा चलाने वाला भी इस पूरे वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल इंसान होता। सो गाइस, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यार आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरीके से मोटिवेट करने वाला हूं। और अगर आप लोग आज की इस वीडियो को देखकर मोटिवेट नहीं हो गए तो सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को एक डिसलाइक करना, और उसके बाद अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखकर मोटिवेट होते हो या फिर आप लोगों को इस वीडियो को देखकर किसी भी तरह का फायदा होता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और लाइक करने के साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी कोई एक नया क्रिएटर यूट्यूब चैनल ओपन करता है तो उसके मन में सबसे पहले एक ही डाउट होता है, जैसे ही वो 1 मंथ यूट्यूब वीडियो अपलोड कर लेता है, 1 मंथ में 30 वीडियो अपलोड कर लेता है, उसके बाद उसके मन में केवल एक ही क्वेश्चन उठता है और वो ये कि मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। तो उन सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग आंख बंद करके वीडियो अपलोड करते रहिए, वीडियो अपलोड करते रहिए। आपकी एक ना एक वीडियो कभी ना कभी वायरल तो होगी ही, और वही जो एक वीडियो रहेगी वो आपकी पूरी लाइफ को ही चेंज कर देगी। क्योंकि वो जो एक वीडियो रहेगी वो आपके चैनल पर 1K+ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देगी और साथ ही साथ 4000 आवर्स का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर देगी, जिससे आपका चैनल अचानक से एकदम से बूस्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिंदास होकर YouTube पर वीडियोस अपलोड करते रहिए। अगर आप लोग ये देखोगे कि मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आप YouTube पर कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते, आप कभी भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकते। मैं जितने भी न्यू क्रिएटर को देखता हूँ वे सभी एक ही काम करते हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उन सभी के वीडियोस पर जाते हैं और वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही कमेंट करते हैं कि सर मेरे वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ। तो उन लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि आज के डेट में जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं तो उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। उन्होंने भी जब यूट्यूब चैनल ओपन किया था तो उसके भी वीडियोस पर स्टार्टिंग में 1, 2, 5, 10 कुछ इसी तरह से व्यूज़ आते थे, लेकिन उन्होंने अपना टैलेंट और अपना यूनिक कंटेंट के साथ आज आगे बढ़कर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर में चेंज हो गए हैं और वो आज के डेट में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गए हैं। तो अगर आप लोग भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो सबसे यूनिक कंटेंट और सबसे हटकर वीडियो अपलोड करो, और आपका जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल सबसे यूनिक होना चाहिए, और आपका जो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल सबसे आसान और सबसे अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक यूट्यूब पर सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस वीडियो को अभी जितने लोग भी देख रहे हैं
वो इस वीडियो को देखने के 10 मिनट तक पूरी तरह से मोटिवेट हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि मुझे यूट्यूब करना ही करना है। तो मैं आप लोगों की सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि एक होता है मोटिवेशन और एक होता है इंस्पिरेशन। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूँ कि जो मोटिवेशन है वो क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि जो इंस्पिरेशन है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन होता क्या है, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद 10 से 15 मिनट बिल्कुल मोटिवेट हो जाएंगे और वो सिर्फ एक ही बात सोचेंगे कि मुझे यूट्यूब पर बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत ही स्मार्ट वर्क करना है और मुझे यूट्यूब पर सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना ही है। लेकिन जैसे ही 10 से 15 मिनट इस वीडियो को छोड़े हुए होगा तो उसके माइंड से ये सारी बात निकल जाएगी। ये होता है मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं इंस्पिरेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो या फिर किसी भी बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस को देख रहे हो जो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है, तो आप लोगों के मन में ये आता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा यूट्यूबर है, और जब ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, जब ये एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता, जब ये एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता। ये होता है इंस्पिरेशन। या फिर अगर आप लोग मेरी ही वीडियो को देख रहे हो और आप लोग ये सोचते हो कि जब ये पंकज भाई कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, ये होता है इंस्पिरेशन। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देखकर ये सोचते हो कि मुझे भी इसी की तरह वर्क करना है, मुझे भी एक अच्छा पर्सन बनना है, तो अगर आप लोग ऐसा सोचकर यूट्यूब पर या फिर किसी भी क्षेत्र में वर्क करते हो तो ये होता है इंस्पिरेशन। तो अगर आप लोग इंस्पिरेशन को लेकर चलते हो तो आपको यूट्यूब पर या फिर किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर आप लोग किसी भी क्षेत्र में या फिर यूट्यूब पर ही वर्क करना स्टार्ट करते हो तो आप सभी लोगों को जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है और मैंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया है। तो आप लोगों को करना क्या है, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देना है कि मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ ये बोलता हूँ, मैं आप लोगों को दावे के साथ ये बोलता हूँ कि अगर आप लोग यूनिक कंटेंट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीक करते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हो, तो आपकी एक वीडियो कभी ना कभी वायरल तो होगी ही। और अगर आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है तो आपको यूट्यूब पर सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यार यही था कि अगर आप लोग यूट्यूब पर सक्सेस होना चाहते हो या फिर किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हो तो किसी की भी वीडियो को देखकर मोटिवेशन नहीं, अपने आप में इंस्पिरेशनल बनो, अपने आप में इंस्पिरेशन लो, तो इससे आपको यूट्यूब पर सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आप एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान बनो कि एक थॉट्स बना है ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। तो आप लोगों को कुछ ऐसा करना है कि जो सामने वाला बंदा है वो भी आपके जैसा करना चाहे, उस दिन आप अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन मान सकते हो। और गाइस, बहुत लोगों की बड़ी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मुझे इस तरह से बंगला बनाना है, मुझे इस तरह से घर बनाना है, मुझे कार लेना है, मुझे एक अच्छा सा बाइक लेना है, तो ये बोलने बस से नहीं होगा। अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हो तो आप लोगों को सबसे पहले हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन तो जरूर मिला होगा और इस वीडियो को देखकर आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशनल का जुनून तो जरूर से जगा होगा। तो यार, इस मोटिवेशन को आप इंस्पिरेशनल समझकर यूट्यूब पर अच्छे से वर्क करते रहिए, या फिर आप जिस भी क्षेत्र में वर्क करते हो या फिर स्टडी करते हो तो उस क्षेत्र में अच्छे से स्टडी या फिर वर्क करते रहिए। आप भी एक दिन जरूर से सक्सेसफुल यूट्यूबर या फिर जरूर से एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के एक बहुत ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।